हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं नेक्स्ट टाइम अभी गया था वीडियो शूट करने के लिए और मेरा जो है आरसी ये रिमोट खराब हो गया था। सामने एक बार दिखिए, तो ये क्या है ना, एक बार टैप करने से यहाँ पर लाइट इंडिकेट करता था, ये क्या हो गया अचानक से, ड्रोन उड़ाने के बाद अचानक से ये शटडाउन हो गया था। तो अभी क्या है, इसे हम लोगों को रिपेयर करना है, तो देखते हैं कैसे रिपेयर होता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा, ये ब्लॉग बनाते टाइम में ही मेरा आरसी खराब हुआ था और दिखाता हूँ चार्ज मारा से इधर आइएगा। ये क्या ना, चार्ज पिड़ाने से इंडिकेट करता था आरसी अपना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे चार्जिंग ले रहा है 0.6 एम्पीयर यहाँ पे शो कर रहा है फिलहाल, और आरसी में कोई भी ये नहीं है, इंडिकेशन है ही नहीं, डबल टैप पे भी नहीं है, सिंगल टैप पे भी नहीं है। ये हो गया अपना आरसी ओपन, यहाँ से दो क्लिप रहता है, ये दोनों क्लिप को ओपन करने के बाद ये आरसी आपका ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप लोगों को देखने मिलेगा ये स्क्रू, ठीक है ना, तो बोर्ड इसके नीचे ही है। तो अभी हम लोग क्या करना है, ये सारा स्क्रू को खोलना है यहाँ से। इसे ओपन करने के लिए हम लोग को करना पड़ा किसी तरीके से, ये से ये निकल जाएगा बाहर, ये आ गया बाहर। ये अपना है ड्रोन का मदरबोर्ड, ठीक है। तो अब इसे ही मेन है, इन सारे चीज़ों से बहुत कम ही प्रॉब्लम आता है तो इस वाले मदरबोर्ड से, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसी को रिपेयर करेंगे, मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो इस कैप को ओपन कर लेते हैं, ये जो कैप है इसे ओपन कर लिए, इसमें आपका प्रोसेसर वगैरह इसी में है ना। तो अब इसे भी ओपन कर लेते हैं, ये कैन को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये इसका सेक्शन है नेटवर्क वगैरह का जो भी है वो है, और इसे ओपन करते हैं। ये सारा कैप आपको ओपन करना ही पड़ेगा, बिकॉज ओपन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में आ कहाँ से रहा। तो ये सारा ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा ओपन हो गया। अब चलते हैं अपना सेटअप में, सेटअप एक बार दिखाइएगा, वो अपना रहा सेटअप माइक्रोस्कोप वगैरह का। तो चलते हैं वहाँ पर, चलते जल्दी से आप रिपेयर करते हैं ना। शॉर्ट कलर है क्या जी हम लोग के पास? तो इससे भी तो बना सकते हैं, इससे भी तो बना सकते हैं हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इसको। और पूरा बैटरी ड्रेन है, बैटरी ड्रेन है पूरा। कौन सा? और टेक्नीशियन, कोई भी टेक्नीशियन पकड़े लेगा, जब हम लोग पकड़ सकते तुम लोग कहे नहीं। कोई भी टेक्नीशियन इस प्रॉब्लम को आराम से फाइंड कर सकता है, बिकॉज से यह ऑन नहीं हो रहा था और इसका प्रॉब्लम पावर सेक्शन से ही आ रहा था। पावर सेक्शन के पास में एक कैप मुझे शॉर्ट मिला और कैप शॉर्ट होने की वजह से ड्रोन का जो आरसी ऑन नहीं हो रहा था। तो फाइनली गाइस, हमारा बोर्ड तो अभी चेक करना पड़ेगा, इसे पैक करते हैं और चेक करते हैं ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले इसे सेट कर लेते हैं जैसे खोला था हम लोगों ने। अभी इन्हें लगाना पड़ेगा ये क्लिप वगैरह, ये है बैटरी का कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर जल्दी से लगा लेते हैं इसमें। सेट हो गया सेट, अब इसको चार्ज में डाल के देखते हैं क्या होता है। चार्ज माला, और ये अपना बोर्ड हो चुका गाइस ऑन, ठीक है। तो ये देखना बोर्ड अपना हो गया, ये ऑन है ना। तो अभी फिलहाल बोर्ड तो ऑन हो गया, और इसे अभी पूरा असेंबल करते हैं, चेक करते हैं ड्रोन वगैरह उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा था सारा चीज। चलो ये तो हो गया अपना, वर्क कर गया। तो गाइस, आप भी अगर प्रॉब्लम आता है और वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, कैब वगैरह शॉर्ट हो जाता है चेक करने पर टेक्नीशियन बना देगा आराम से इजिली, है ना। तो कोई इशू नहीं, चलो इसे पैक करते हैं। जैसे डिस्प्ले कितना पड़ेगा?
तो ये है, अभी फ़िलहाल मैं अपना आरसी फिटिंग कर रहा हूँ ताकि चेक कर पाऊँ कि अपना प्रॉपर तरीके से ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बात बताओ कि एक शॉप वाले से मेरी बात हुई थी, वो मेरे से चार्ज कर रहे थे 7,000 रुपये बस इसे रिपेयर करने का आरसी का। तो अभी चार्ज में डाल के देखते हैं चार्जिंग ले रहा कि नहीं। और ये देखना चार्जिंग प्रॉपर अपना जैसे चार्जिंग लेता है, ये अपना चार्जिंग लेना चालू हो गया आरसी। तो ये आरसी तो गाइस रिपेयर हो गया, अभी ये रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ ये पूरा पैक करने के बाद ही पता चलेगा कि ड्रोन अपना उड़ रहा है, फ्लाई इसका हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसे फाइनली पूरा अभी पैक कर लेते हैं, उसे चेक करते क्या आता उड़ता है कि नहीं उड़ता है। ये हो गया पूरा का पूरा पैक अपना आरसी।